सेनापति सहायकरण में रविवार को शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में नवरात्रि, दशहरा पर्व और ईद मिलादुन्नबी को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। बैठक में तहसीलदार LP हरवान ने कहा कि नवरात्रि एवं दशहरा पर्व महत्वपूर्ण त्यौहार है। उन्होंने कहा कि मूर्ति स्थापना के लिए बड़े पंडाल, आकस्मिक दुर्घटना की रोकथाम के लिए बाल्टी और बालू रेत का प्रबंध करें। रात्रि में आरती के दौरान दुर्गा स्थापना पंडाल के पास सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात रहेगी। थाना प्रभारी उमेश यादव ने शांति की अपील करते हुए कहा है कि बड़ी समितियों को CCTV कैमरा लगाने एवं पंडालों में सुरक्षा के मद्देनजर रात्रि में वॉलंटियर्स को रोकने, वहीं पटाखा, हथियारों, DJ का उपयोग कम करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि उत्पात मचाने वालों को चिन्हित कर बख्शा नहीं जाएगा। JE दीपक वर्मा ने कहा है कि सभी समितियों विधिवत विद्युत विभाग से 1000 रुपये का कनेक्शन प्राप्त करें। वहीं नगर परिषद CMO से सभी दुर्गा समिति ने अपील की है कि दुर्गा स्थापना पंडाल के पास विशेष रूप से सफाई पर ध्यान दिया जाए। बैठक में जिला पंचायत सदस्य गुलाब चंद गोलन, पूर्व जनपद अध्यक्ष कमला यादव, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय खटीक, नगर परिषद उपाध्यक्ष पुनीत जैन पत्रकार, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष गोपाल राय, सरपंच डॉक्टर राजू जैन, CMO MG गोस्वामी, मंडल महामंत्री मोनू जैन, गौशाला अध्यक्ष देवेंद्र हलावनी, डिप्टी रेंजर AK व्यास, पार्षद कुंजीलाल अहरवाल, पार्षद सर्कल गौड़, मोहित भल्ला, संतोष खटीक, पार्षद जग्गी साहू, जलील खान, इसराइल खान, पत्रकार प्रकाश जैन सहित सभी नगर एवं क्षेत्रीय दुर्गा समितियों के सदस्य उपस्थित रहे।